नाम जप एवं संकीर्तन। हम लोग यहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं? संकीर्तन। नाम जप में एक ही नाम को आप बार बार बोलते रहते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण, ये आप एक ही नाम को बोल रहे हैं। नाम जप में माला लेते हैं, मान लीजिए आपको 108 नाम करना है तो आप 108 बार कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। जनरली होता क्या है, पहला 108 अभी तक हुआ नहीं, वो बड़ा वाला मोती कंप्लीट का आया नहीं, कब आएगा, यही होता है। आप कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अरे कब कंप्लीट होगा कृष्ण कृष्ण, ये फर्स्ट। सेकंड, आप सुबह सुबह बैठे हैं, ऑफिस भी जाना है, उधर से पत्नी नाश्ता भी बना रही है आपका, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, पत्नी के हाथ से प्लेट टूटा, कृष्ण आए तोड़ दो फोड़ दो, कृष्ण 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 कृष्ण, हर रोज ये आवाज, क्या खा, कुछ नहीं आता, मैं ही कर दूं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो देखिए आप कर रहे हैं कृष्ण कृष्ण, लेकिन माइंड क्या कर रहा है, वहां गया, वहां का थॉट का चिंतन लाया, फिर उस चिंतन से विकार क्रोध आया, लेकिन कृष्ण कृष्ण क्रोध में भी हो रहा है, कृष्ण 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 हो रहा है। थर्ड, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना, ये सारी कंडीशंस होती है ना हमारी। क्या हमारे अंदर उस कृष्ण नाम के लिए इतनी रुचि है, इतना प्यार है कि जब कृष्ण बोलते हैं तो रोमांच होता है, जब कृष्ण बोलते हैं दोबारा तो आंसू आते हैं? ये भी नहीं है, ना रुचि है ना रोमांच, कुछ नहीं, और मन भी इधर उधर जा रहा है, इसीलिए नाम जप से लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपकी ये सारी स्थिति है, कर रहे हैं लोग, कुछ लोग तो दिखावे के लिए भी करते हैं, दुनिया जाने मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, 108 माला फेरता हूं, अरे काउंटिंग करने के लिए भगवान ने कब कहा, ये कहां लिखा है कि 108 नाम ही लेना है, 108 टाइम्स ही लेना है? एक बार भी अच्छे से मन से रो कर नाम ले लिया उसको नाम लेना कहते हैं, लाख बार लिया और एक बार भी मन नहीं लगा तो वो 108 क्या नंबर बना रहे हो, क्रिकेट मैच है क्या, रन बना रहे हो? तो ये सब जस्ट हमको चलाने के लिए, नथिंग से समथिंग अच्छा है ये हो रहा है, लेकिन हमको ये नहीं करना है नथिंग से समथिंग वाला, करना है तो अच्छा सा काम करना है, नहीं तो नहीं करना है, करो तो सही सही करो। अरे प्यार करना आप सबको आता है, संसार में जो संसार मिला है उसके प्रति सब लोग प्यार करना जानते हैं, तो जब इस एरिया में प्यार कर सकते हैं तो जिसने जीवन दिया उससे प्यार क्यों नहीं हो सकता, हम करेंगे ना प्यार, हम अपनापन बनाएंगे उनसे। तो नाम जप उनके लिए है जिनका मन स्थिर हो चुका है, जिसको भगवान के नाम में वो बैठे हैं इसका विश्वास हो चुका है, जिसको नाम के लिए इतनी प्रगाढ़ रुचि हो गई है कि नाम लिए बिना रहा नहीं जाता, वो कृष्ण कृष्ण घंटों बिठा दो वो रो रो कर जपता रहेगा, बाहर आग लगी है कोई डूब रहा है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनके लिए ऐसी स्थित प्रज्ञ अवस्था वालों के लिए नाम जप है, लेकिन हम बिगिनर्स के लिए, और वैसे भी बिगिनर्स ना हो तो भी उद्धव हो कि नारद हो, सब संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन में
क्या फायदा है? संकीर्तन का अर्थ होता है उच्च स्वर से भगवान का नाम लेना, वाणी से गाकर। तो जब आप उच्च स्वर में गाते हैं तो ये जो बाहर के जो डिस्टर्बेंस है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप ऊंचे स्वर से गा रहे हैं, वाद्य बज रहा है और लोग भी गा रहे हैं, तो बाहर क्या हो रहा है माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए कीर्तन में उच्च स्वर से गाना, वाद्य को बजाना, ये सारी चीजें ऐड की जाती हैं जिससे कि हमारा मन आसानी से लग जाए। संकीर्तन में नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, जन सबका वर्णन होता है। कृष्ण नाम एक में इतनी वैरायटीज नहीं है और हमारा मन वैरायटीज चाहता है। मोनोटोनस होने से मन नहीं लगता, तो जब कीर्तन होता है तो उसमें वैरायटी मन को मिलती है। तो थोड़ा वाद्य भी है, थोड़ा संगीत राग भी है और नाम भी है, फिर भावनाएं भी हैं, रूप भी है, इतनी वैरायटी में वो मन आराम से लग जाता है। इसलिए संकीर्तन और नाम जप में ये डिफरेंस है। और संकीर्तन करते करते जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे कि नाम के प्रति आपकी रुचि हो जाएगी, नाम लेने पर रस मिलने लगेगा, फिर आप जप कर सकते हैं। माला से कीजिए, श्वासों से कीजिए, कैसे भी कर सकते हैं। और सबसे अंत में चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था, पशु पक्षी कीट आदि बोली देना पारे, सुनी ले ही होरी नाम तारा सब तारे, जोपी लेते हरि नाम आपुनी ते तारे, उच्च संकीर्तन परोपकार करे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तो सिर्फ अपना कल्याण करते हैं, लेकिन जब हम कीर्तन करते हैं तो जो बेचारे गूंगे हैं, गा नहीं पाते, सुन तो पाएंगे, उनका कल्याण होगा। पशु पक्षी कीट इन सब का सुनकर कीर्तन से कल्याण हो जाएगा। स्थावर जंगम सबका कल्याण होता है। इसलिए ऐ मनुष्यों, उच्च स्वर में कीर्तन करो जिससे तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। ये गौरांग महाप्रभु जी ने बताया।